हेलो फ्रेंड्स, सुप्रिया किचन टीवी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का रेसिपी देख लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी है। देखिए, मैंने यहाँ पे आलू लिया हुआ है। चले इसके ऊपर के छिलके निकाल लेते हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं या फिर कम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 आलू लिया हुआ है। चलिए इसके ऊपर के छिलके जो अच्छे से निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने बॉयल आलू नहीं लिया हुआ है, कच्चे आलू लिया हुआ है। देखिए, कच्चे आलू की कई तरीके की आप रेसिपी या स्नैक्स वगैरह देखे होंगे, मगर इस तरह की रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। बहुत ही टेस्टी और यमी भी है, खासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही यमी और टेस्टी है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा ऐसी रेसिपी। आप मैगी या मंचूरियन बनाना भी छोड़ देंगे, यही रेसिपी आप बार बार बनाएंगे घर पर ही। चलिए इसे कट कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये भी। देखिए, अच्छे से मैंने यहाँ पे इसे बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लेती हूँ, ताकि हमें इसे उबालना है इसीलिए। देखिए, मैंने यहाँ पे ऐसे कट कर लेती हूँ सभी आलू को। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी पानी गर्म होने के लिए रखा था। देखिए, पानी भी अच्छे से बबल्स भी आ रहा है। चलिए अब जो हम आलू कट कर लेते हैं इसमें डाल लेते हैं। देखिए, इसे ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे से पकाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे कट करके छिलके निकाल कर कट कर लिया था। इसे अच्छे से पका लेते हैं। देखिए, अच्छे से पका लीजिए मीडियम फ्लेम पे रख कर। आप वैसे ही पका लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पानी पिएगा नहीं आलू, इसीलिए ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगा। देखिए, यहाँ पे अच्छे से पक चुका है, अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। देखिए, आलू कितना बढ़िया लग रहा है ना। चले अब इसे आलू को निकाल लेते हैं पानी में से। देखिए, पानी में से निकाल लेते हैं इसको, एक छन्नी में डाल लेते हैं। देखिए, सारे आलू को अच्छे से छन्नी में डालेंगे। इसका बढ़िया सा पेस्ट बनाना होगा आपको, जैसा सॉफ्ट डोई बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही। देखिए, उल्टा चम्मच से अच्छे से मैश कर लीजिए। तो आलू को ठंडे होना नहीं छोड़ना है आपको, ऐसे ही गर्मा गर्म अच्छे से मैश करना होगा। मैशर ही मत कीजिए मैशर से, क्योंकि ऐसे ही अच्छे से सॉफ्ट एक छन्नी ले लीजिए और अच्छे से बना लीजिए इसे। देखिए, मैंने यहाँ पे अच्छा सा मैश कर लिया हुआ है इसे। देखिए, कितना बढ़िया सा स्मूथ चने को जो लगाया हुआ है उसे भी निकाल लेते हैं अच्छे से। देखिए, कितना जैसा मलाई वगैरह जैसा है ना, खवा जैसा लग रहा है ना। देखिए, कितना बढ़िया सा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जल्दी से भी बन जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। देखिए, कितना स्मूथ बनाया हुआ है, एक भी लंग्स नहीं है अंदर। देखिए, कितना अच्छा सा बढ़िया सा लग रहा है ना, अच्छा सा बैंडिंग भी हो रहा है इसमें। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले ली, तो एक कटोरी यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है। इसे डालकर अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डोई बनाना होगा। थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा नमक लगा सके। देखिए, अच्छा सा नमक डालने के बाद इसे अच्छे सा थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर कर अच्छे से एकदम सॉफ्ट डोई बनाना होगा आपको। एक भी लंग्स अंदर नहीं रहना चाहिए। देखिए, अच्छे से मसल लीजिए, अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, एक सॉफ्ट डोई जो है बन के रेडी हो चुका है। देखिए, कितना चिकना और कितना बढ़िया लग रहा है ना। देखिए, इतना सॉफ्ट लग रहा है अच्छे से। मैं देखिए, कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए अभी इसे बना लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया हुआ है, हाथ को थोड़ा सा तेल लगाकर एक छोटा छोटे से बॉल्स बनाने होंगे, जैसे आप गुलाब जामुन के लिए वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वही। देखिए, अच्छे से छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है आपको, छोटा सा ही लेना हुआ है। देखिए, इस साइज़ का आपको लेना होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बॉटल लिया हुआ है, आप चाहे तो एक कांच का बॉटल भी ले सकते हैं जिसका। देखिए, अच्छे से थोड़ा सा तेल में डुबा लीजिए। डुबालने के बाद जो हम इसके आटे हैं जो इसके ऊपर ऐसे प्रेस कर लेंगे। देखिए, कितना बढ़िया सा मशरूम टाइप लग रहा है ना, बिल्कुल मशरूम जैसा ही। चलिए अब इसे सारे ऐसे बना लेते हैं। देखिए, हमारे मशरूम जो है छोटे छोटे मशरूम जैसा ही बन के रेडी हो रहा है। चले सारे ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए, ज़्यादा भी नहीं बड़ा लेना है, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो और भी बड़े होते हैं, इसीलिए थोड़ा छोटे छोटे से बनाने होंगे आपको। चले फिर से तेल लगा लेते हैं इसके ऊपर, फिर से प्रेस कर लेते हैं। तेल इसलिए लगाना है कि इसके चिपके ना, आटा जो है इसे चिपके ना, इसीलिए बॉटल के थोड़ा सा। देखिए, कितना बढ़िया लग रहा है ना, सारे ऐसे ही बना लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, कितने बढ़िया सा हमारा मशरूम जो है बनके रेडी हो चुका है। चले अब इसे पका लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पे पानी में उबाल आ चुका है। पानी में ऐसे ही बबल्स आने चाहिए, उबाल भी आना चाहिए। देखिए, अच्छे से एक एक करके हमारा जो मशरूम से डाल लेते हैं इसमें। देखिए, बहुत ही टेस्टी और सिंपल रेसिपी है। कितना बढ़िया लग रहा है ना, मशरूम से अच्छे से इसे उबाल लेते। आप इसे बनाएंगे तो पास्ता मैगी कुछ भी नहीं बनाएंगे, यही रेसिपी बनाते रहेंगे बार बार, वो सब भूल जाएंगे। इतना टेस्टी रेसिपी ये बन के रेडी होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे एक एक करके डालेंगे। इसे हिलाना नहीं है, फ्लेम को हाई फ्लेम पर ही रखना है, अच्छे से उबालना है। अपने आप जो मशरूम से वो ऊपर आ जाएंगे। देखिए, कितना बढ़िया से ऊपर भी आ चुका है ना। ऐसे ही निकाल लेते, ऊपर आने के बाद इसे गैस को ऑफ कर लेते। एक ठंडा पानी में इसमें डाला होगा, ताकि ज़्यादा ओवर कुक भी ना हो जाए, इसीलिए ठंडा पानी में इसे निकाल लेते हैं।
इस रेसिपी का नाम है कोरियन चिली गार्लिक पटैटोज। हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए अच्छे से मैं यहाँ पे ठंडे पानी में निकाल लेती हूँ सारे मशरूम को। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना पटैटोज हमारे, चिली गार्लिक पटैटो बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी भी है, खासकर बच्चों के लिए आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और यमी भी बनेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्मूथ बनाया हुआ है ना। चले अभी इसे ठंडे पानी से निकाल लेते हैं साइड में एक बाउल में। देखिए ठंडे पानी में इसलिए डाला है कि ये ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, और ज़्यादा ओवर कुक होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा खाने में, इसलिए मैंने यहाँ पे ठंडा पानी में डाला था। उसके बाद थोड़ा सा इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो कि मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना जो है ऑयल ले लिया हुआ है, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियों को अच्छे से कट कर लिया था, बारीक से ऐसे भी डाल लेते हैं। इसका थोड़ा सा कलर गोल्डन कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मशरूम से हमने बनाया था पोटैटोस, उसमें थोड़ा सा 1-2 छोटी चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक, नमक देख कर डालना होगा क्योंकि हम आटा भूनते समय नमक डाला था। और 1 चम्मच जितना जो है सोया सॉस डालेंगे। आप चाहे तो इसमें टमाटो केचप या सेजवान सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारा तड़का भी रेडी हो चुका है। देखिए प्याज जो लहसुन वगैरह है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। चलिए इसमें डाल लेते हैं तड़का हमारा। देखिए तड़का डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जो है टमाटो सॉस भी डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा स्पाइसी बनाने के लिए। चलिए अब अच्छे से मिक्स कर लेते। देखिए हमारा चिली गार्लिक पोटैटोस जो है बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और बढ़िया सा स्मेल भी आ रहा है और टेस्टी भी लग रहा है ना। और ना इसको ऑयल में फ्राई करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप कैसे ही बनाना है जल्दी से भी बन जाएगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए कितना स्पाइसी और टेस्टी बना हुआ है ना, कितना टेस्टी लग रहा है ना। चले अब इसे खा लेते, कितना अब इसे खाने का भी मन कर रहा है। बच्चों को आप ऐसे बना के देंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो वो भी इस पर डाल सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया और टेस्टी लग रहा है ना। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लेके हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब अगले वीडियो मिलते हैं। आप सभी को नमस्कार।